हे व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सबका अपने फिर से एक नई वीडियो पर। तो आज हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं खास करके रिलायंस शेयर के बारे में। तो इस शेयर के क्या फ्यूचर प्राइस होने वाले हैं और क्या हमारी इस शेयर के खिला शेयर को देखते हुए क्या हमारा रिव्यूज़ है वो सब देने वाले हैं आप लोग को। तो आप लोग सभी जानते होंगे ये रिलायंस कंपनी, जियो, रिलायंस सब, और रिलायंस के पेट्रोल पम्प वगैरह भी हैं। तो चलिए बात करते हैं रिलायंस कंपनी के बारे में, वो सारी बात दूसरी हो गई। पहले हम लोग रिलायंस के प्राइसिंग के बारे में बात कर ले रहे हैं। ये हम लोग का वन डे का टाइम फ्रेम पर है, तो पहले हम लोग बात करने आ रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए। बाद में हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ देखेंगे। तो अब हम लोग को इस चार्ट में एक चीज़ दिखती हुई जा ही रही है, देख रही है, आप लोग को भी दिखाता हूँ आ करके। ये देखिए, ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ऐसी बनती हुई आ रही है, ये है ये रिलायंस है। देखिए बीच में फिलहाल इसने 22 एक तारीख को इसको ब्रेकआउट भी करा था, मगर ये फेक ब्रेकआउट होकर फिर से डाउन में आ गया। और अभी इसका प्राइस जो है वापस देखिए आप लोग इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही टहल रहा है। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता ऊपर से, फिर ये सपोर्ट अगर बन जाता तो हम लोग को बड़े टारगेट्स अपसाइड में दिख सकते हैं। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट जो होने वाला है, लॉन्ग टर्म में ये हम लोग का रिव्यू रहने वाला है। फिर बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं ऑटो पे, थोड़ा जल्दी थोड़ा हो जाएगा। तो आप लोग जैसा कि देखते हैं हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको एक काम करता हूँ हटा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे हम लोग के कोई काम भी नहीं है। हाँ, तो आज का जो ये रिलायंस का रहा है, ये देखिए जो 1 नवंबर से हम लोग का ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं रिलायंस इस पॉइंट पर, ये जो एक पॉइंट है यहाँ पर, ये इसको थोड़ा ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे भी इसी पॉइंट पे रुका था, ये इसका थोड़ा रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ आ रहा है। देखिए आज फिर से ये इसी पे आके यहीं पर आके रुक गया है, और एक तरह से ये अप मूव में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से डाउन साइड में ये ऊपर की तरफ बढ़ता ही हुआ शो कर रहा है। अब मेन इसका ब्रेकआउट पे आ गया। अब ये ब्रेकआउट जिधर करता है, ब्रेकआउट क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है, ये इसके ऊपर है। अब जैसा मेरे हिसाब से तो इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इसकी न्यूज़ वगैरह भी, अगर ये अब जाके ऐसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर लेता है तो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे बड़े टारगेट यहाँ पर फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रहने वाला हम लोग का रिलायंस का रिव्यू फॉर स्विंग ट्रेडर्स के लिए। बस आप लोग को यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर एक रीटेस्ट के वेट करना है, उसके बाद आप लोग बड़े मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया 15 मिनट्स के स्विंग ट्रेडर्स के लिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा बता देते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए देखिए आज का जो हम लोग का ट्रेड था, आज का हम लोग के ग्रुप में अगर आप लोग जो ज्वाइन है, तो ये ग्रुप में हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हुआ था। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक एम बना था और हम लोगों ने आज यहाँ पे ट्रेड भी लिया था। ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था हम लोग का, ये रेजिस्टेंस पॉइंट से यहाँ पे इसने, ये देखिए यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था एट दिस पॉइंट हम लोगों ने ट्रेड लिया था। फिर हम लोग का एम पैटर्न की पूरी वो यहाँ से हम लोग की ट्रेड एक्टिवेट हो गई थी। ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद हम लोगों ने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करा था, क्योंकि हम लोग का ये नीचे ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही थी, यहाँ तक हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, प्राइस ऊपर जाने लगा, तो हम लोगों ने अराउंड इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग के ट्रेडर्स ने बुक करा, जितने भी हम लोग के ग्रुप में एडेड थे। तो आप लोग को भी मैं रिव्यू देना चाहता हूँ, ये जो कल का जो रिव्यू होने वाला है, ये हम लोग की स्ट्रेटजी रहने वाली है। ये जो हम लोग की 2 ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेकआउट कर देता तो अपसाइड में एक रीटेस्ट करने वाला हम लोग फिर से बाय करेंगे, ब्रेकडाउन करता तो ये डाउन साइड में इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा अपसाइड के लिए, फिर ये डाउन साइड में मूव करना शो करेगा। और अभी आप लोग एक चीज़ और देखिए, 5 मिनट पर अगर देखें ये करेक्ट 50 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया, और इसी पे बंद होने से पहले यही इसी के ऊपर बंद हुई है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ मेरा थोड़ा बुलिश मूव ज़्यादा है रिलायंस की लेकर। तो रिलायंस अपसाइड में टारगेट हम लोग को दिखा सकता है, क्योंकि डाउन डाउन साइड में अभी इसका कोई फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हम लोग का रिलायंस का रिव्यू पूरा फुल, थोड़ा एक बार जूम आउट कर लेते हैं, और थोड़ा अगर हम लोग कुछ दिखता आप लोग को बताने लायक वो भी बता देता हूँ मैं इस वीडियो में। वैसे हाँ, अगर रिलायंस नीचे एक बार ये आता है तो ये नीचे वाली, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो लाइन ये है यहाँ पे, ये एरिया, इस एरिया बार बार देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट बना दिया था, इस यहाँ जब इसको ब्रेकआउट करा था, फिर देखिए फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था, फिर यहाँ पे ब्रेक रेजिस्टेंस फेस करा इसने। तो ये रिलायंस का कितना लेवल है, 2549 का, भाई 2550 का लेवल है ये, इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग कह सकते हैं इसको। अगर यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, हम लोग को ऊपर के बड़ा बुलिश टारगेट, हम लोग रिलायंस पे मेन जो मूव है वो हम लोग का बुलिश ही मूव रहने वाला है। तो थैंक यू गाइस, ये थी आज हम लोग की वीडियो आज की। अगर आप लोग अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि हम लोग की लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती जाए। तो गाइज अगर आप लोग को कोई और भी उस पे वीडियो चाहिए, हम लोग को कमेंट ज़रूर करें, हम लोग कमेंट आप लोग के कमेंट पढ़ते हैं हमेशा, और आप लोग को हमेशा अच्छे से गाइडेंस देते हैं। तो ये थी हम लोग की आज की वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड बी प्रॉफिटेबल।